घर बैठे डिफेंस परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के सीबीसी डिजिटल क्लासरूम एप्लीकेशन को और जुड़िए देश की बेहतरीन डिफेंस टीम के साथ। यहां आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन। जब तैयारी के लिए संपूर्ण गाइडेंस सीबीसी डिजिटल क्लासरूम में, तो फिर और कहीं क्यों। तो डाउनलोड कीजिए सीबीसी डिजिटल क्लासरूम एप्लीकेशन को और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई उड़ान, क्योंकि हम वादा नहीं दावा करते हैं, सपने आप देखें सच हम करेंगे। संपर्क करिए 9235544544 पर। नमस्कार बच्चों, आज हम बौद्ध संगीतियों के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के उदय के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा कैसे किया गया। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग जो है बौद्ध संगीतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स, नेवी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इस भाग से हर प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसका हमने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, जिसको हम यहाँ पर जो है बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर ये चार्ट आपका तैयार हो गया तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल वे है, और इसको आप ध्यान से दो चार बार इसका वीडियो देख लेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बौद्ध संगीतियाँ, आपको बताएं कि महात्मा बुद्ध अपने संपूर्ण जीवन काल में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते रहे। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, कुशीनारा में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोवर थे, उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों ने महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किया और उसके लिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जिसे संगीत कहता है, एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने जो संकलन किया था उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और यह आयोजन राजगृह में हुआ था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध संगीत का पहला आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया, स्थान पर अगर आता है, कभी कभी इस पर पूरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि चार मुख्य बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई हैं तो इनमें से चारों का क्रम पूछ लिया जाता है। मैंने इसको क्रम से ही लिखा हुआ है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ बनता है कि जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में आयोजित हुआ तो उस समय शासक कौन था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ए महाकश्यप है। और चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया तो वहाँ की महत्वपूर्ण घटना क्या थी, अगर इसको देखा जाए तो वहाँ पे दो ग्रंथ निकल करके आए थे जिसे कहता है विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो इस तरीके से अगर पूरे चार्ट को देखें, एक लाइन में मैंने आपको बताया चार क्वेश्चन बने, फोर क्वेश्चन यहाँ फ्रेम हुए हैं, इसी तरीके से अगर देखा जाए इसमें 16 क्वेश्चन बनते हैं पूरा। अगर पूरा चार्ट आपका तैयार हो जाएगा तो इसमें बनने वाले लगभग 16 क्वेश्चन हैं, वो 16 क्वेश्चंस आपके पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आपको इसको इसी तरीके से जैसे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आपको देखना है और इसको ध्यान से इस पर जो है फोकस करना है, चीज़ों को आपको इस तरीके से रटना है। आप ये कर सकते हैं, जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 वर्ष बाद हुई थी, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। उसके ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में इस संगीत का आयोजन किया गया था।
उस समय वहाँ का शासक काला शोक था। इस संगीत के रचयिता सबक मेयर ने किया था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई थी, यहाँ पर बौद्ध संघ का एक सांकेतिक विभाजन हुआ था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बौद्ध संघ में पहला विभाजन कब हुआ, ये क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संघ का पहला विभाजन किस संगीत में हुआ था। तो उसमें ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया रहता है। तो हम आपको बता दें कि बौद्ध संघ का पहला जो सांकेतिक विभाजन हुआ था वह दूसरी बौद्ध संगीत में हुआ था। यहाँ पर संघ जो है दो भागों में डिवाइड हुआ, एक कहलाए सांघिक और दूसरे कहलाए स्थावीर। सांघिक और स्थावीर में अंतर क्या है इसको हम आपको बताते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद जो उनके अनुयायी थे उनमें से कुछ लोगों का मानना था कि जिस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन समाज में हुआ है, उस तरीके से आज से 100 साल पहले महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए जो संदेश थे, जो उपदेश थे, वे आज प्रासंगिक नहीं है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। तो जो इस विचारधारा को लेकर के चल रहे थे उन लोगों को कहा गया सांघिक। और दूसरे लोग ये थे जो उन्हीं के फॉलोअर थे, उनका कहना था कि नहीं, महात्मा बुद्ध ने आज से 100 साल पहले जो बातें कही थी वो आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगी। इसका मतलब कि वे उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के आगे चलना चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों को स्थावीर कहा गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सांघिक और स्थावीर में क्या अंतर हुआ, विचारधारा का अंतर हुआ। दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सांघिक विचारधारा के थे वे लोग जो थे वो लिबरल थे, उदार थे, परिवर्तन में विश्वास करते थे। लेकिन जो स्थावीर विचारधारा के जो लोग थे वे रूढ़िवादी थे, वे किसी प्रकार के किसी परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ था। जब पाटलिपुत्र में हुआ तो उसमें वहाँ का जो शासक था वह अशोक था और उसकी जो अध्यक्षता किया था वह मोगली पुत्तिस ने किया था। और यहाँ पर एक तीसरा ग्रंथ निकल कर के आया जिसे कहा गया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन मिलता है। जो दार्शनिक तरीके से बातों को जो है रखने या समझाने का जो प्रयास किया गया उसको अभिधम्म पिटक के माध्यम से किया गया है। तो इस तरीके से तीसरा जो एक पिटक या ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ निकल करके आया वह तीसरी बौद्ध संगीत में आया। और वो जो आयोजित हुआ था वो पाटलिपुत्र में, उस समय का जो शासक था अशोक था, उसके अध्यक्षता किया था मोगली पुत्तिस ने और उसमें जो ग्रंथ निकल करके आया वो अभिधम्म पिटक है। और जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी वह कश्मीर में आयोजित की गई थी। उसमें वहाँ का जो शासक था कनिष्क था और उसकी जो अध्यक्षता की थी उसमें दो लोग थे, एक तो वसुमित्र और दूसरे थे अश्वघोष। ये दोनों लोग कनिष्क के दरबारी कवि थे। और इस संगीत की जो महत्वपूर्ण घटना थी, इस संगीत तक आते आते बौद्ध धर्म में अस्पष्ट विभाजन हो गया। अब बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया जिसे कहा गया महायान और हीनयान। जैसा कि आपने दूसरे बौद्ध संगीत में देखा था कि वैचारिक मतभेद के कारण विचारधारा का जो वहाँ पे बंटवारा हुआ वह वैचारिक जो विवाद था या वैचारिक जो विभेद था वह चौथी बौद्ध संगीत में उभर करके आया और बौद्ध संघ में अस्पष्ट विभाजन हो गया। और यह विभाजन दो भागों में विभाजित हुआ जिसे कहा गया महायान और हीनयान। जो महायान थे वो परिवर्तनवादी थे, वे परिवर्तन विश्वास करते थे, लेकिन जो हीनयानी थे वो रूढ़िवादी थे, वे किसी प्रकार के किसी परिवर्तन विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संघ में अस्पष्ट विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ था, इसका आंसर होगा चौथी बौद्ध संगीत। फिर यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ, कश्मीर हुआ, उस समय का शासक कौन था, कनिष्क था, उस संगीत की अध्यक्षता किसने किया था, उसमें दो लोग थे, वसुमित्र अध्यक्ष बने थे, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया था, यहाँ पर ये अध्यक्ष के रूप में थे और ये जो है उपाध्यक्ष के रूप में थे। और फिर इसमें जो है इसका स्पष्ट विभाजन हो गया, इसे महायान और हीनयान कहा गया। महायानी जो परिवर्तनवादी थे, जो उदार थे, जो हीनयानी थे, ये रूढ़वादी थे और ये कट्टर थे। आगे चल करके बौद्ध धर्म के महायान
और हीनयान जो शाखा थी इनमें से महायान शाखा का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था, हीनयानियों का भी हुआ, लेकिन महायान, चूँकि जो महायान शाखा थी वह उदार थी, परिवर्तनवादी थी, परिवर्तन में विश्वास करती थी, इसलिए लोगों का लगाव उससे ज़्यादा हुआ। जो हीनयानी थे, ये रूढ़िवादी थे, इसे इसका प्रचार प्रसार कम हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म में स्पष्ट विभाजन के बाद किस संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ, तो वह महायान संप्रदाय था, और दूसरा जो था हीनयानी था, इनका प्रचार प्रसार कम हुआ। दूसरा क्वेश्चन अभी बनता है कि भारत से बाहर महायान और हीनयान धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वह किन क्षेत्रों में हुआ। तो जो हीनयानी थे, हीनयान धर्म का जो प्रचार हुआ, जैसे भारत का जो दक्षिणी छोर था, जैसे श्रीलंका हुआ, श्रीलंका के बाद मलाया, मलक्का, इन क्षेत्रों में हुआ। और जो महायान था भारत के ऊपर, जैसे श्रीलंका, जापान, कोरिया, मतलब इन क्षेत्रों में जो है महायान धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कभी लोकेशन के, हालांकि इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछे आते हैं, लेकिन एक सिंपल वे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म का उदय, उसके प्रचारक, उनका पूरा का पूरा जो है जो कार्यकाल था, उनकी जो लाइफ थी, किस प्रकार से कहाँ से होकर गुजरी, तो इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने जो है विस्तृत चर्चा किया। और उसके बाद हम बौद्ध संगीत पर आकर के एक आपके लिए एक वीडियो बनाया। आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से आप इस भाग से बनने वाले क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।